उसे कह दिया। ना मुंह बंद करो और दूसरा अपनी वॉल्यूम आहिस्ता करो। अगर अम्मी ने सुन लिया ना, पता है ना क्या होगा। लड़के तो बड़े खुश होते हैं कि लड़की उसके पीछे हो। वो आम लड़का नहीं है, ये उसकी खास बात है। इतनी बहनों के भाई को ना हर लड़की अपनी बहन ही लगती है। तुम तो आते बतवा देने लगी हो यार। नहीं नहीं नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, कुछ तो हुआ होगा ना। परेशान लग रहा था, घबराया हुआ। मैंने तो सोचा कि उसने कहा होगा कि ना मांगो, आज से मैं तुम्हारा। कहीं ना दे वो, कह देगा तुम इतनी प्यारी छो। यही तो मसला है, उसकी नजदीकी नजर कमजोर है तो सिर्फ छक्के मारता है। तुम फिर एक काम करो, तुम ना चेयर लीडर बन जाओ, साफ दिखाई दोगी। और वैसे भी ना मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें आदत है उसे दूर तक देखने की। उसको तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि मेरी आंखों का रंग क्या है। अब ऐसा भी नहीं है, पता होगा उसे। उसे पता होगा सच में? भाई सोए नहीं अभी तक? सो रहा हूँ बस। ये क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, इसको छोड़ो। ये उस दिन हुआ था ना जिस दिन आप गए थे, नंगे पैर गए थे ना, अभी बताती हूँ अम्मी को। अकल हो गई हो? इस वक्त तुम सबको जगाओगी? सो रहे हैं सब, ठीक हो जाएगा, दवा ले लेंगे, इंजेक्शन लगा लिया, दो चार दिन में सेट हो जाएगा। तो भाई बिता तो देते, छुपाने की क्या जरूरत थी? अच्छा पैर छोड़ो छोड़ो, बात सुनो। अब तुम जाओ और जाके सो जा, कल सुबह उठना है जल्दी, मैंने प्रैक्टिस के लिए भी जाना है। प्रैक्टिस? भाई इस पैर के साथ आप प्रैक्टिस के लिए जाएंगे? आपको रेस्ट की जरूरत है। कुछ नहीं होगा, सेट है, तुम जाओ सो जाओ। हाँ दे वैसे भाई। अब बात सुनो, बताना मत किसी को, घर में किसी को बता रहा हूँ मैं, फोन कर रहा हूँ, बताना मत। हाँ बोल दो। शाहजेब यहीं तो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? कोच ने रेस्ट करने को कहा था ना। तुम्हारा पैर देख के लगता तो नहीं है कि तुम प्रैक्टिस भी कर सकोगे। तुम लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देखूंगा। बेटा देखोगे तो तुम मुझे नेशनल्स और इंटरनेशनल्स खेलते हुए भी। फिर तो 100 रन साथ में खेलेंगे। अच्छा ख्वाब है, लेकिन वो क्या है ना, हम दोनों में से सिर्फ एक सिलेक्ट होगा। तुम्हारी हालत देख के लगता तो नहीं है कि तुम जानते हो आज कौन आ रहा है। कौन? वो तो तुम्हें लग पता जाएगा। दिस इज शाहजेब, सो दिस इज ए बात। आया कोच, किधर जा रहे हो? मैं चौकीस पहन के आता हूँ जल्दी से। बच्चे इस सब में टाइम लग जाएगा, इस वक्त तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराना है, इस बहुत इम्पोर्टेंट। आ जाओ। कोच मैं पैर आया, बी ब्रेव, आई बिलीव इन यू। या नो? सर इनसे मिलेंगे, ये है याया, हमारी कॉलेज के सबसे अच्छे प्लेयर। सर याया मशकूर हुसैन। सर याया मशकूर हुसैन? जी सर। तुम वही हो ना जो सबसे पीछे खड़े थे? क्यों? सर वो पैर में चोट लग गई थी थोड़ी सी। ओह व्हाट हैपेंड? वो कान चुभ गया था, चलते हैं। ओह इट्स ओके, इंजरीज प्लेयर की जिंदगी का हिस्सा होती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम, और अगली बार तुम्हारा खेल जरूर देखूंगा। अच्छा थैंक यू।
वैसे क्या ये लड़के वाले हमारा पूरा घर इंस्पेक्ट करेंगे? चुप करके पर्दे साफ करो। सयाने कहते थे जिस घर से लड़की लो उनका बाथरूम तौलिए दस्तरखान सब देखो। तो हमसे वही चीजें साफ करवा लेते ना अम्मा, पूरा घर साफ करवाने की क्या जरूरत थी। अच्छा लग रहा है मुझे बेटा, बेटी के लिए ऐसी तैयारियों से माँ का जिस्म तो थक जाता है लेकिन रूह तरोताजा रहती है। और फिर बुशरा के साथ जाने अनजाने में बहुत ज्यादती की हमने। अम्मी सामान ले आई हूँ और देख लीजिएगा। ओके। अरे है ये कितना सामान आ रहा है। आई उसरा ने तो कहा था चाय पे आ रहे हैं, ये गोश्त सब्जी इतना सामान, महीने भर का राशन एक ही वक्त में ठिकाने लगाना है क्या? दादो क्या समझती हैं आप चाय को, अब तो लोग चाय को हाई टी कहते हैं। लो अब आप पूछेंगे हाई टी क्या होती है। मैं बेटा हमें क्या पता ये सब कुछ, लेकिन इतना जानते हैं कि जिस चीज में हाई लग जाए उसमें कमी तो हो नहीं सकती। अरे भैया ना जाने इस हाई टी में अब कितने पैसे उड़ जाएंगे। इजरा बेटा आ जाना, ये उधर रखता, चले आप मेरे लिए पानी ले आओ। जी याया, बचे स्प्रे से तुम्हारा दर्द कम हो सकता है और शायद तुम अंदर जाके खेल भी सको, लेकिन अगर कल को ये मजीद बिगड़ गई फिर। नहीं बिगड़ेगा कोच, मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ। याया वो ऑनररी गेस्ट है, सिलेक्शन उन्होंने थोड़ी करनी है। क्या हो गया बच्चे? कोच मुझे पता है लेकिन मैं इस तरह ग्राउंड के बाहर बैठ के सबको परफॉर्म करता हुआ तो नहीं देख सकता ना। मैं करना चाहता हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ यहाँ पे। जी मुझे भी पता है तुम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन खुद बताओ इस चप्पल में वो तुम्हें पिच पे जाने देंगे? इस चप्पल में तुम्हें वो भागने देंगे? बच्चे गेम के कुछ असूल हैं। आपसे किसने कहा मैं चप्पल पहन के परफॉर्म करूंगा? क्या मतलब? या कहां जा रहे हो? या ये नहीं करो यार, ये तुम्हारे नए जूते हैं। ऐसे मौके भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं कोच, रिस्क नहीं ले सकता। बिल्कुल नहीं। मना किया था, लुक इज इंजर्ड बट वाला शॉट यार, गुड शॉट, वेरी गुड, ही हैज एवरीथिंग माशाल्लाह सर, ही इज टेक्निकली साउंड, ग्रेट टेंपरमेंट, ऊपर से सर मतलब इतना हम्बल लड़का है, अभी देखिए डिटरमिनेशन देखिए सर आप।